भाई लोग, आज का वीडियो देख के आप लोगों को मज़ा ज़रूर आएगा। वर्ल्ड ऑफ कैरम 3D, इस गेम का ऊपर हमने पहले भी बहुत वीडियो बनाए हैं, कुछ कुछ शॉर्ट्स बनाए हैं जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो आज का जो वीडियो है, इस पे हम सिर्फ इस गेम का जितने भी 3D शॉर्ट्स हैं, ओनली 3D शॉर्ट्स दिखाएंगे। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आप जब गेम प्ले करते हो तो हर शॉट को 3D नहीं दिखाया जाता है, बस कुछ कुछ शॉट्स को ही वो लोग 3D पे दिखाता है। और हर एक गेम का आखिरी शॉट को, यानी कि फिनिशिंग शॉट को 3D में दिखाया जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए आज का वीडियो पे आने वाला 3 मिनट अर्थात 180 सेकेंड विल बी फुल ऑफ एक्शन, क्योंकि सारे के सारे Only 3D shorts. मुझे मालूम है आप लोग सोच रहे होंगे कैरम पूल का बारे में, है कि नहीं? कैरम पूल आप ही लोगों को मुबारक हो, ठीक है? हमने इंस्टॉल किए थे फिर से कैरम पूल लगभग एक महीने बाद। फिर क्या हुआ, हमारा स्वागत किया गया ऑटो प्ले से मुंबई का टेबल पे। फिर से एक और गेम लगाए थे, फिर से एक और ऑटो प्ले, ठीक है? तो भाई मैं एक चीज बहुत अच्छे से समझ गया, वो क्या? वो यही है कि कैरम पूल बस दो ही किस्म का प्लेयर्स के लिए है। एक हो गया जो लोग बहुत ही इनोसेंट है, जो भाई लोग सिर्फ लंदन पार्क, इस्तांबुल, ज्यादा से ज्यादा दुबई तक खेलता है, उन लोगों के लिए अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं। उन लोगों के लिए कैरम पूल आज भी वैसा ही है जैसे कैरम पूल को हमने 4 साल पहले हम लोग आए थे, ठीक है? उन लोगों के लिए कैरम पूल नहीं बदला। लेकिन कैरम पूल किन लोगों के लिए बदल गया? कैरम पूल उन लोगों के लिए बदल गया है जो लोग फेयर गेम प्ले करते हैं और यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है? उन लोगों के लिए कैरम पूल बिल्कुल नहीं है।